लक्ष्मी अगरवाल हमारे साथ हैं आज. और फाइनली आई थिंक द मीडिया वॉज वेरी वेरी क्यूरियस. पहले दिन जब हम लोगों ने ट्रेलर लॉन्च किया तो बहुत लोगों ने पूछा कि लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है, तो यहाँ क्यों नहीं है, लक्ष्मी क्यों नहीं है. करेक्ट, वी हैव अ प्लान फॉर हर. तो फाइनली लक्ष्मी इज विथ अस. लक्ष्मी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू कि आपने हमको मौका दिया ये कहानी दिखाने के लिए, बताने के लिए. बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है. एंड थैंक यू कि आपने दिल से किया. नॉट वंस डिड यू डाउट अस, नॉट वंस डिड यू क्वेश्चन अस. और आपने जो भी किया है आपने बहुत दिल से किया है. एंड आई होप यू आर प्राउड ऑफ द मूवी दैट वी हैव मेड. एंड आई होप वी हैव बीन एबल टू डू जस्टिस to your incredible and inspiring story. To ab main chahungi ki Lakshmi kuch kahe. Thank you Deepika. Time to वैसे 12:30 हुआ है, पर मैं हमेशा कहती हूँ good morning, जब जागो तभी सवेरा. मुझे बहुत खुशी है कि मैं मेघना मैम से 2016 में मिली थी. और मेघना मैम ने बोला कि लक्ष्मी हम इस कॉज पे काम करना चाहते हैं साथ में. क्योंकि अगर देखा जाए 2013 से पहले कोई भी एसिड अटैक वायलेंस को नहीं जानता था उस तरीके से. लेकिन जब खुद सर्वाइवर्स बाहर निकल के आई और अपनी स्टोरी को रखना शुरू किया तो वो हर कानों में वो आवाज़ गई. और जब वो आवाज़ गई तो आज वो एक फिल्म के रूप में बाहर आई. दूसरा ये भी कि सोसाइटी को ये फिल्म एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी. और थैंक यू दीपिका जो आपने लक्ष्मी का रोल प्ले किया. और मुझे बहुत खुशी है कि एक्चुअल में जो ब्यूटी है आज आपने दिखा दिया कि ब्यूटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी, इस कॉज को बाहर लाना बहुत ज़रूरी था. और कहीं ना कहीं जो सर्वाइवर विक्टिमाइज होती है और जो सोसाइटी के दिमाग में जो तेजाब है, ये फिल्म के थ्रू लोगों के दिमाग से तेजाब निकलेगा. तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग साथ में हैं और इस कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं. और जो लोग विक्टिमाइज होते हैं उनको एक्चुअल में फाइटर के रूप में बाहर लेके आ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. और आप सब लोग भी ज़रूर जाइएगा मूवी देखने और आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअली में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. तो जब आप मूवी में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या होती है लाइफ में प्रॉब्लम्स. थैंक यू. व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता लगा दैट योर स्टोरी हैज बीन अडैप्टेड एंड दीपिका इज प्लेइंग योर कैरेक्टर? मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ये लगा कि अब तो हो गया सोसाइटी का काम. और वो जब जैसी मैं सो रही थी और जैसी मैंने फर्स्ट लुक देखा उठ के और इंस्टाग्राम खोला और अचानक से लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए हुए थे, तो जैसे ही देखा मैंने कहा वाओ लक्ष्मी. ये था. और मुझे लग रहा था क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ जैसे भी कि आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है लोगों के मन में. और लोगों ने कहा कि अब तो सच में इंसाफ मिल के रहेगा. क्योंकि जब आप बाहर निकल के आते हो और जब आप एक कॉज को प्रेजेंट करते हो अपनी तरफ से, तब लगता है. तो मुझे ऐसा लगा जब जैसे दीपिका ने बताया कि मैं सेट पे गई फर्स्ट टाइम, तो वहीं पे ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि सच में अब सोसाइटी के दिमाग से बहुत कुछ बदलने वाला है. सीरियसली थैंक यू सो मच दीपिका. मेरा सवाल लक्ष्मी से है. लक्ष्मी, इस गाने को सुनकर आप दो लाइनें कुछ कहना चाहेंगी क्योंकि ये आपकी कहानी है. गाने में जैसे मैंने जब गाना भी सुना, सीरियसली मेरी आँख से जब से आंसू नहीं रुक रहे हैं. और मैं एक ही चीज़ फील कर रही थी जब से कि काश मेरे पापा यहाँ होते. तो काफ़ी अच्छा लगा. और थैंक यू मेघना मैम, थैंक यू सो मच. तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है. ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी आपकी फिल्मों को यू सर्टिफिकेट मिला होगा. बट खास बात तो ये है कि इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने बिना कट किए कोई सीन पास किया है. तो आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है दीपिका मैम और मेघना मैम और विक्रांत सर?
I will allow Meghna ma'am to take this answer, please. ये एक्चुअली छपाक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था, क्योंकि इस फिल्म की परसेप्शन ऐसी होती है कि क्रूड होगी या ग्राफिक होगी या हैवी होगी, तो शायद बच्चों के लिए लायक ना हो या युवा लोगों के लिए लायक ना हो. लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसे यू सर्टिफिकेट दिया, जो आज तक मेरी किसी फिल्म को नहीं मिला है. सबको यू ए मिला है विथ नो कट्स. ये पहली फिल्म है जिसको यू मिला है विथ नो कट्स, और इसके लिए हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये कहानी जितनी दूर तक पहुँचे उतना ज़रूरी. नेचुरली हम सब बहुत खुश हैं, और हमें बहुत खुशी है कि आपने कहा कि ना पसंद करने के लिए इस गाने में और इसके विजुअल्स में कुछ है नहीं. हम सब की उम्मीद ये है कि आप फिल्म के बारे में भी यही सोचेंगे. विक्रांत सर, मेघना जी, दीपिका, शंकर एहसान लॉय, सबके लिए सबसे पहले ये जो गाना था, इस गाने के बाद आप लोग इमोशनल हुए, हम सभी लोग, गला चोक हो गया और ऐसे लगा कि छपाक से बेहतर कोई शब्द ही नहीं हो सकता. एक शब्द में इतनी सारी बातें, इतना इमोशन, एक पूरी कहानी, एक पूरी ज़िंदगी. तो बहुत बहुत बधाई, और आई रियली विश कि ये गाना सब तक पहुँचे और बहुत सक्सेसफुल हो. दीपिका, ये गाना आपके लिए इमोशनल जर्नी है, क्योंकि लक्ष्मी कहानी कहीं ना कहीं मेरे लिए लक्ष्मी, मालती और दीपिका एक शब्द हो गए हैं जब से मैंने प्रोमो देखा है. तो आपकी नज़रों में इस गाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? I just want to share an anecdote. Last couple of days we've been spending so much time with each other, and she calls me Lakshmi sometimes and I call her Malti sometimes. It's just become like one. sorry, aapka sawal kya tha? Ye teenon shabd Lakshmi, Malti, Deepika ek kirdaar ho gaye hain jab se pehla trailer ka aapne announcement kiya. Maine apne review mein Malti Agarwal keh diya tha. Mere do baar aisa hua. Jo character ka naam hai actually. मालती अग्रवाल कैरेक्टर का नाम. हाँ, मतलब वो लक्ष्मी तो मिक्स हो गया. तो आपके लिए ये गाना, आपके लिए गाना और गाने के इमोशंस, कहानी के लिए किस तरह, चूंकि गाने का लॉन्च है तो गाना कहानी के इमोशंस से मिलता जुलता, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? यही कि एक्चुअली मैं और एक एनेक्डोट एक शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली फिल्म का जो टाइटल पहले कुछ और ही था, इट वॉज गंधक. गंधक. एंड आई थिंक ड्यूरिंग द प्रोसेस मेघना मैम ने डिसाइड किया कि हमको ये. मेघना मैम कौन है? मेघना गुलजार जी. इस टाइटल को चेंज करना चाहते थे, और उन्होंने मुझे कॉल किया एक दिन, एंड आई सेड क्यों चेंज करना चाहते हो, मतलब गंधक, मतलब सबको पता चलेगा कि क्या है, सबको समझ आएगी. एंड शी सेड, यू नो, आई वॉन्ट द टाइटल ऑफ द मूवी, आई वॉन्ट टू यूज द टाइटल ऑफ द मूवी इन अ सॉन्ग, एंड दैट सॉन्ग becomes the soul of the song, it becomes the thread, it becomes the overarching theme that kind of just binds the whole film together. And Chhapaak, honestly, if I may be honest, I didn't have faith in the title when we or inko ye pata hai, I was like, ha, okay, yeah, whatever, I mean, you're the director, you decide. But I think it grew on me eventually, and today I can see her vision. Today I can understand ki wo aise kyun soch rahi thi aur kyun chahti thi wo shabd. Bas, I think for your part of your question, I think jaise maine kaha, if Lakshmi calls me Lakshmi, or if I call my character Malti, and most important cheez ye hai ki pehle din jab hum set pe the and Lakshmi came to the shoot, and she walked in, aur main bahut nervous thi kyunki ek actor ke liye I think the person that you're playing on screen, unka validation milna bahut zaruri hai. Audience ka to, in this context audience ka validation secondary hota hai. Sabse pehle ye hota hai ki jisko aap parde par aap nibha rahe ho, I think her validation for me was very very important. Aur wo aayi set pe and she looked at me and she said, My God, you look exactly like me, and I feel like I'm looking at myself in the mirror. मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं खुद को देख रही हूँ. एक एक्टर के लिए इससे बड़ा वैलिडेशन हो ही नहीं सकता. तो या I actually just want to say one thing, talking about the title of the film. मैंने बहुत मुश्किल लफ्ज़ दिए हैं पापा को कि अब आप ये लीजिए और ये गाने में आना चाहिए. और छपाक भी एक और ऐसा लफ्ज़ था. Do you want to say something about the experience of? मतलब आसान काम तो वैसे भी आपने कभी नहीं दिया. एक काम और
खुद भी कोई आसान काम किया नहीं है आपने जो काम किए हैं वो मुश्किल काम ही किए हैं. पहले भी ऐसे ही हुआ था और इस बार भी कि छपाक का जो इम्पैक्ट है, मैंने बिल्कुल यही कहा था कि इसका जो इम्पैक्ट है मैं उसके बारे में आपको लाइन देता हूँ. वो लाइन जैसे वो तो ज़रूर देंगे आप और ज़रूरी चाहिए, लेकिन आप कुछ छपाक इस्तेमाल करना है तो मैं छपाक मेरे मीटर में नहीं आता. कहने की वो शंकर के मीटर में आ जाएगा, आप शंकर को दे दीजिए. एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड. एंड शंकर सेड आई विल फिट इन, आप मुझे बाकी लाइन बनाइए वो बताइए. एंड दैट इज़ हाउ वी हैड टू पुट आवर हेड्स टुगेदर. एंड ऑल आई हैड टू डू इज कि मैं वो उतनी स्पेस लाइन में दे दूँ जिसमें वो छपाक बोल सकें. तो मैं यहाँ एक तो इन तीन लड़कियों का मद्दा हो गया, बहुत बड़ा एडमायर करने की ज़रूरत है. इन तीन लड़कियों ने बड़े कमाल किया है, क्योंकि ये सिर्फ अकेली एक फिल्म नज़र नहीं आ रही है, ये पूरी की पूरी एक उर्दू में कहते हैं तहरीक है, अंग्रेज़ी में कहते हैं मूवमेंट. इट्स अ मूवमेंट इन द सोसाइटी. और इस तरह की फिल्म बनाने के लिए जो तीन प्रोड्यूसरों के नाम लिखे हैं, ये तीनों भी कमाल हैं, जिसमें मैं विजय जी शामिल हैं और गोविंद इस वक्त नहीं है हमारे साथ, एहसान नहीं है, लेकिन एक और प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं जिसने इन तीनों की बड़ी हिम्मत है कि इन्होंने ये इरादा किया कि नहीं ये बात कहनी है, ये सिर्फ खेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये कोई बात है जो उन्हें कहनी है, जन समाज को कहनी है, लोगों से कहनी है और पहुंचानी है ये बात वहाँ तक. इन तीनों की बड़ी हिम्मत है इसमें. और परफॉर्मर्स आप जानते हैं, एंड लक्ष्मी जहाँ से कि ये रोशनी उगी, ये पैदा हुई, और शुक्र है बड़े अच्छे लफ्ज़ों में कहा मेघना ने अभी कि इसमें कहाँ गुंजाइश थी म्यूज़िक की या गाने की. नहीं, ये 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 म्यूज़िक ज़िंदगी का म्यूज़िक है जो बहुत ज़्यादा अहम है. उस म्यूज़िक से उस संगीत को जो आप रोज़ सुनते हैं, ज़िंदगी का संगीत है, इट हैज़ टू विन फाइनली. ये यहीं पे आके विक्ट्री है. एंड थैंक्स टू लक्ष्मी वंस अगेन फॉर दैट कि ये उसकी मुस्कुराहट से पैदा हुई है ये रोशनी और चली आई है, समाज तक गई है, जो बहुत ही ज़रूरी है. बस इतनी सी ही बात है जो मेरा ख्याल है बहुत खूबी से कही है. और शंकर, एहसान, लॉय, इन लोगों ने तो रिदम दे दिया ज़िंदगी को, उसी ज़िंदगी को जो हमें एक जगह लगा कि सुकड़ गई या बंद हो गई या मुट्ठी में हो गई या जो छपाक से जला दी किसी ने, उसको एक तहरीक बना दिया, एक मूवमेंट बना दी. बहुत बहुत शुक्रिया.